लोगों ने जेई की डेटशीट देखी, बोर्ड्स की प्रैक्टिकल्स और मेंस वन में 5 दिन का गैप है और बोर्ड्स और मेंस टू में सिर्फ 15 दिन का। क्या क्या पागल है क्या ये लोग? चाहते क्या है बच्चों से? अरे कब करेंगे हम प्रिपरेशन? वैभव वैभव चिल, फटना नहीं है, फटना नहीं है। फ्रेंड्स आपने डेटशीट देखी? हाँ देख ली मैंने डेटशीट। अब क्या करूं उस डेटशीट को देखकर? क्या करूं, जहाज बनाऊं इसका या मैं खुद जहाज बन जाऊं? हमको परेशान करने के लिए बनाई है ना जेई वालों ने डेटशीट, तो हो जाएंगे परेशान। इनफैक्ट है ही हम परेशान साले। पहले कहते हैं 11 लाख स्टूडेंट्स के साथ जेई का एग्जाम दो और टॉप 1% में आओ, टॉप 1%। चलो ठीक है मान लिया, ठीक है। नहीं 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 नहीं, इससे भी आपका एडमिशन नहीं होगा, उसके साथ आपको बोर्ड में 75% लाने होंगे। ये कैसा 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है बे इनका? जब इतना बड़ा जेई का एग्जाम ले रहे हो तो क्यों चाहिए तुम्हें बोर्ड में 75%? क्यों चाहिए मीना? इनके आगे कोई लॉर्ड्स में भी सेंचुरी मारेगा ना तो इससे भी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी आप गली क्रिकेट में 75 रन बना के दिखाइए तभी कुछ होगा। और फिर इतना कर लो तो उसके बाद ये आके कहेंगे कि इस साल का पेपर IIT बॉम्बे बना रहा है जिसके मैथ्स के सवाल टीचर्स नहीं बना पा रहे। अभी जब टीचर्स नहीं बना पा रहे तो मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता 0 फैक्टोरियल क्यों होता है, क्यों होता है बताओ। अब जो बंदा इतने महीनों से इस मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है उससे मैथ्स के सवाल सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो ऐसे मैथ्स के स्ट्रॉन्ग होने का क्या फायदा? क्या फायदा 2 साल पढ़ने का जब इनको एग्जाम की डेट यही सब रखनी थी? इससे अच्छा तो दोनों एग्जाम एक ही दिन रख लेते ना, बच्चे जल्दी जल्दी फेल होकर घर चले जाते। यार इतनी बुद्धि तो लगा लेते ना यार कि बच्चे मेंस के लिए पढ़ेंगे या फिर बोर्ड्स के लिए, पहले व्हाट पे ध्यान देंगे या हाउ पे? ये साला व्हाट हाउ कर करके मेरे दिमाग को व्हाट द फक हो गया है। जब ये लोग चाहते ही नहीं थे कि 12 का स्टूडेंट जेई में पास हो तो मुझे पहले बता देते ना यार, मैं चुपचाप बैठ के इटारसी में पढ़ रहा होता या IIT के लिए क्यों आता? क्यों मीना तू कहता था ना मैं ना खुद को मोटिवेट करके आधे घंटे के अंदर ये लव लेटर लिखने को तैयार हूं, पर साला पहले को ये तो बताए कि लव लेटर लिखना है किसको, पटाना है किसको, बोर्ड्स को, IIT को या डेटशीट वालों को? बताओ नहीं बताओ बताओ, मैं बताता हूं। ये लोग ना हमको इंसान ही नहीं समझते भाई, इनको लगता है वैभव तो रोबोट है, इससे तो जो चाहे करा लो। वैभव पहले मेंस देगा, वहां 99% लाएगा, फिर बोर्ड के प्रैक्टिकल में टाइटर बनाएगा, फिर फिजिकल एजुकेशन में दौड़ लगाएगा, फिर बोर्ड में डेरिवेशन लिखकर 75% लाएगा, और वहां भी उसके बाद फिर से 15 दिन बाद मेंस देगा और वहां भी 99% लाएगा। अबे कैसे लाऊं मैं 99% कैसे? भैया वो वैभव वो चुप ही नहीं हो रहा है।